Horizon Zero Dawn 2 के बाद आपके लिए एक और PlayStation 5 एक्सक्लूसिव गेम की न्यूज लेकर आया हूँ। आपने इसी साल उस गेम को खेला था और गेम का नाम था Days Gone, जो अप्रैल में रिलीज हुई थी, लेकिन उस गेम को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था उसके बग्स की वजह से। लेकिन यहाँ पर जो अब आपके सामने मैं Days Gone 2 से रिलेटेड न्यूज देने वाला हूँ, उसे जानकर आप सच में सरप्राइज रह जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जैन, नमो कार गेमिंग वाले चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों का ये डाउट दूर कर दूं जिन्हें लग रहा था कि Days Gone बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही है गेम, और उस गेम का फिर सीक्वल क्यों आ रहा है और वो आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस चीज के लिए आप अगर कंफर्म करना चाहते हैं तो जाकर आप ऑफिशियल IGN की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। तो Days Gone 2 को कंफर्म कर दिया गया है और ये गेम भी साइबैंड स्टूडियो ही डेवलप कर रही है, जो कह सकते हैं कि प्लेस्टेशन का फर्स्ट स्टूडियो में काउंट होता है आज की डेट में। और इस गेम के भी डायरेक्टर सेम ही रहेंगे, जॉन गारविन एंड जेफ रोज, लेकिन उन्होंने यहां पर इस बात को पहले ही कंफर्म कर दिया गया। अभी एक छोटा सा इंटरव्यू हुआ था जिसमें उन्होंने बताया इस गेम से रिलेटेड, साथ ही ये भी बताया कि Days Gone में जो गलतियां हमने की थी वो गलतियां यहां पर नहीं दोहराई जाएंगी। उसके लिए उन्होंने 6 महीना अलग से टाइम एक्सटेंड किया है, जो भी एक टाइमलाइन होती है किसी भी गेम को बनाने की। और जब भी कोई डेवलपिंग टीम किसी प्रोजेक्ट को हाथ में लेती है तो उसे बताना पड़ता है पब्लिशर को कि ये गेम उसे कब तक हैंडओवर करती जाएगी। तो यहां पर उन्होंने, अगर उन्हें पता है कि गेम को 3 साल में हम डेवलप कर लेंगे, तो उन्होंने उस चीज के लिए पहले ही 6 महीना एक्स्ट्रा रखे हैं, जिससे वो सारे गेम्स के जो बग्स हैं उसे फिक्स कर सकें प्रॉपर तरीके से। और यहां पर उन्होंने एक चीज और मेंशन की है दोस्तों, कि उन्होंने बताया कि यहां पर बग्स की इतनी प्रॉब्लम नहीं थी जितनी PlayStation 4 का जो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, वो हमारी Days Gone को उतना अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उन्होंने जो गेम बनाई थी कहीं ना कहीं नेक्स्ट जन कंसोल के लेवल की बनाई थी, और कहीं ना कहीं PlayStation 4 Slim में उस गेम को प्ले करने में बहुत सारी हर्डल्स आ रही थी। और जिनके पास PlayStation 4 Pro होगा उन्हें ये बात अच्छे से पता होगी कि जितने बग्स स्लिम में उन्हें देखने को मिल रहे थे उतने प्रो में नहीं थे। लेकिन अब फाइनली PlayStation 4 Slim पे भी वो गेम उतनी ही स्मूथ चल रही है जितनी पहले प्रो में चल रही थी। तो अगर आपने अभी तक ये गेम नहीं खेली है तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा, स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आपको ये गेम जरूर खेलनी चाहिए, क्योंकि गेम सच में बहुत ही अच्छी है, इंप्रेसिव गेम है और आपको मजा आएगा। बात कर लेते हैं इस गेम के प्रॉफिट कलेक्शन के बारे में। तो Days Gone ने जितने पैसे में ये गेम बनाई गई थी उससे 3 times ज्यादा अर्निंग इस गेम ने की है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि Days Gone 2 का जो इरादा है वो पूरी तरह से पक्का है। और ये गेम आपको जो देखने को मिलेगी 2022 में, इसका टाइम पीरियड रखा गया है गेम का, तो 21 के E3 में शायद इस गेम का जो ट्रेलर है उसे रिवील कर दिया जाए। और इस बार की जो कहानी होगी वो पिछली कहानी से कनेक्टेड होगी, लेकिन इस बार थोड़ा सा टाइम लैप लिया जाएगा, यानी कि प्रोटैगनिस्ट हमें सेम देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार आपको उसकी एज में, लुक में, कॉस्ट्यूम में काफी कुछ डिफरेंट देखने को मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों, जितना बड़ा Days Gone का मैप था, जैसे कि आपको पता ही होगा कि मेन स्टोरी कैंपेन भी बहुत बड़ा था, और उसके साथ साथ जो हॉर्स मिशन थे, साइड मिशंस थे, अब तो और भी मिशंस इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं, सर्वाइवल मोड है जैसे, उसी तरह से यहाँ पर आपको बहुत सारे साइड मिशंस भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस बार जो गेम का मैप है वो उससे 1.5 times बड़ा है। और तीसरे पॉइंट पे दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर लोकेशंस भी आपको काफी डिफरेंस तरह की देखने को मिलेंगी, जैसे कि अभी हम जो देख पा रहे थे Days Gone में 2 environment हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो जो जंगल का environment है, दूसरा आइस environment, और यहाँ पर अब आपको और भी अलग अलग तरह के environment देखने को मिलेंगे। इसमें आपको कुछ लावा वाली स्टेज भी देखने को मिल सकती है, कुछ एडवांस सिटीज भी देखने को मिल सकती है। इस बारे में अभी तक पूरी तरह से तो कन्फर्म नहीं है कि क्या क्या आपको देखने का एग्जैक्टली मिलेगा, लेकिन ये बात सच है कि आपको काफी तरह के मतलब वेरियंट इन्वायरमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं स्टोरी की। तो यहाँ पर जो उस गेम का कैंपेन होगा, बताया जा रहा है कि इसके अंदर आप मल्टीप्लेयर मोड में भी खेल सकते हैं उस कैंपेन को, यानी कि जो हमारा कैरेक्टर होगा जिसके थ्रू हम खेलते थे, उसके साथ साथ एक और यहाँ पर कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। ये नहीं पता कि वो कैरेक्टर फीमेल होगा या मेल होगा, लेकिन उसकी भी खास भूमिका गेम में दिखाई जाएगी, जिसमें काफी जगह आपको डेकन के अलावा उससे भी गेम प्ले करना पड़ सकता है। साथ ही इस गेम के कैंपेन मोड के साथ साथ मल्टीप्लेयर को भी अच्छे से डिजाइन किया जा रहा है, जहां पर आप हमारे साथ मिलकर up to 8 players खेल सकते हैं। जहां तक हम बात करें गेम प्ले की, तो गेम प्ले में बहुत सारी एबिलिटीज जो पिछली बार नहीं दी गई थी वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा कैरेक्टर है वो पहले से भी ज्यादा वेपन्स को कैरी कर पाएगा और अच्छे से मैप को और एक्सप्लोर कर पाएगा, जो पिछली बार नहीं कर पाता था। जैसे कि आपने देखा होगा कि इसका जो मेन एक व्हीकल है वो है उसकी बाइक, जिसे वो अपग्रेड करता रहता है, लेकिन इस बार आपको गेम में कार भी देखने को मिलेगी। और इसी के साथ यहाँ पर ये भी ऑप्शन अवेलेबल होगा, अगर आप दूसरे की कार को भी यूज करना चाहें तो वो भी आप कर सकेंगे। साथ ही यहाँ पर जो वेपन्स है उसका जो कैरी बैग है उसे भी अपग्रेड कर दिया गया है, अब वो ज्यादा वेपन्स कैरी कर पाएगा, जैसे हम लास्ट ऑफ अस में देखते हैं। तो यहाँ पर वो हिसाब नहीं है अनचार्टेड वाला कि सिर्फ वो 2 weapons को लेके घूम रहा है पूरी गेम में, और ये सबसे ज्यादा चीज काम आएगी हॉर्स में। और यहाँ पे हॉर्स की अगर मैं बात करूं तो उन्हें भी काफी अपग्रेड कर दिया गया है,
उनकी जो एबिलिटीज है आपके साथ साथ उनकी भी इनहेंस हो गई है। अब आप उन्हें उतना अच्छे से पागल नहीं बना पाओगे जैसे आप पिछली गेम में बना देते थे कि कहीं भी आपने बॉम्ब लगा दिया, प्लांट कर दिया और कहीं भी आवाज करके उन्हें बुला लिया अपने पास। तो बहुत सारी आपकी जो डिफिकल्टीज हैं उन्हें भी बढ़ा दिया गया है जिससे आपको गेम में और ज्यादा इंटरेस्ट बने, आपको और ज्यादा चैलेंजिंग लगे गेम खेलने में। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हमारे सामने आए हैं जो मैंने आपके सामने रिवील किए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने अभी तक नहीं किया हो। भाई फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।